ईश्वर, इतनी सुंदर सृष्टि, हमें इतना सुंदर जीवन, इतने सारे वरदान देने से ही वो तृप्त नहीं हुए, उससे ही उन्हें खुशी पूर्ण रूप से, आनंद पूर्ण रूप से नहीं मिला। इसलिए ईश्वर पूर्ण रूप से अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिए, अपने इकलौते पुत्र को। उतना ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस वहां समाप्त नहीं होती है, वो वहां शुरू होती है। वो हमसे कुछ चाहते हैं, वो है उनके समान बनना, उनके अनुरूप बनना। आइए हम इस महान रहस्य के बारे में आज मनन करेंगे। इसलिए इस साधना में पूर्ण रूप से बने रहने की कोशिश करिए। हम अपने आप को तैयार कर लें, आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल सब ले लीजिए, और जो निर्धारित स्थान है आप वहां जाकर अपना स्थान ग्रहण करिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। अपने ध्यान में इस सच्चाई को रखिए कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। तो उस मनोभाव को ध्यान में रखकर यहां हम उपस्थित हो जाएं। आइए हम अपने आप को, आज की साधना को पूर्ण रूप से ईश्वर के पावन चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम दयावान प्यारे पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं पिताजी, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु येसु क्रिस्त को पूर्ण रूप से दे दिया, ताकि हम उनको ग्रहण करके, प्राप्त करके उनके समान तेरी संतान बन सके, उनके अधिकारों को हम प्राप्त कर सके। इसीलिए तूने अपने पुत्र को भेजा। प्यारे पिता, आज हम उस प्रेम पर, उस महान रहस्य पर मनन करने के लिए और उस प्रेम को अपनाने के लिए और उस प्रेम को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए, जीने के लिए हम तुझसे सीखने आए हैं। प्यारे पिता, हमें अपना आत्मा प्रदान करने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, आकर हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारे मन को अपने आशीषों से भर दीजिए। हमें आलोकित करिए ताकि हम आपका वचन ध्यान से सुन सकें, उस पर मनन कर सकें, उसका आत्मसार कर सकें और अपने जीवन में उस प्रेम को हम जीकर एक दूसरा यीशु बन सकें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने हमें कहां तक प्यार नहीं किया, तूने अपने आखिरी बूंद रक्त बहाने तक हमें प्यार करता रहा। प्रभु जी, आज जब हम तेरे उस प्रेम पर मनन करने के लिए यहां तेरे द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु हमें प्रेरणा दे, हमें आशीष दे, ताकि हम पूर्ण रूप से अपने आप को आपके अधीन में रखकर, आपके चरणों में रखकर आपकी शिक्षा को हम पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकें। हे हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21 से 35 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्सेस फ्रॉम 21 टू 35। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। पर उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्कारियोती के पुत्र यूदस को दी।
यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास तैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहां महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूं, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आइए इस पाठ को ध्यान से कम दो तीन बार पढ़ लीजिए और इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, रहस्य छुपे हैं, उसको पूर्ण रूप से अपने मन में लेने के लिए अपने आप को तैयार करिए। हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। हम इस पाठ के संदर्भ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। संदर्भ वास्तव में प्रभु येसु के अंतिम दिन है। हम इसके पिछले साधना में हमने देखा कि प्रभु येसु बेथानिया में थे, उनके पैरों को मरियम ने धोया और उसको इत्र से मलकर प्रभु येसु की मृत्यु का पूर्वाभास कराई थी। आज का पाठ का संदर्भ जो है ये वास्तव में उनके भोजन के समय है, अंतिम भोज है। वहां प्रभु येसु अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या बीतने वाला है और कैसे उनमें से एक जन ही उन्हें पकड़वाएगा, धोखा देगा। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उस संदर्भ में उसके बाद में तुरंत प्रभु येसु अपने शिष्यों को एक शिक्षा देते हैं। हमें उस पर इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर, इस संदर्भ को ध्यान में रखकर, मन में रखकर हमें इस नई आज्ञा जो प्रभु येसु अपने शिष्यों को दिए इसको हमें समझना है। इसलिए मैं उस पर टिप्पणी किया था। वास्तव में प्रेम होता क्या है? प्यार या प्रेम आजकल कोई वस्तु बनकर रह गया या कोई इमोशन बनकर रह गया, कोई फीलिंग, कोई भावना। न प्यार बोलने से लोग सोचते हैं कि ये कोई भावना है, कोई फीलिंग है। जरूर उसमें है कुछ सच्चाई, लेकिन वास्तव में प्यार या प्रेम एक भावना नहीं, एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है, ईश्वर। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में और उसके आगे भी वे कहेंगे, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, वो प्यार करता केवल नहीं है, वो स्वयं प्यार है। उसका नाम ही प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को वो कैसे प्रकट करता है हम पर, हमें कैसे बताता है कि वो कौन है? ये जो प्रेम है हमें उनके उस संदर्भ में, उनके उस व्यक्ति से हमें सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम गलत फहमी में रह जाएंगे। वहां हम उनके प्रेम को देखते हैं या उन्हें हम पहचानते हैं, वे अपने आप को पूर्ण रूप से खाली कर देते हैं। वो अपने आप को पूर्ण रूप से खाली कर देते हैं। कल भी हम इस बात पर मनन किए थे, पिता अपने आप को पुत्र के लिए और पुत्र में खाली कर देते हैं। He empties himself fully, totally। जैसे दो ग्लास हम रखकर
एक ग्लास के पानी को दूसरे ग्लास में हम खाली कर देते हैं, उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार पिता अपने आप को पूर्ण रूप से पुत्र में खाली कर देता है और उसके बदले में उसके उचित एक प्रत्युत्तर में, रिस्पॉन्स में, पुत्र अपने आप को पिता में खाली कर देता है। यही है प्रेम, अपने आप को पूर्ण रूप से दे देना, 100%, वहां कुछ भी अपने लिए रखा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अपनी पहचान अन्य व्यक्ति में देखना, इसलिए ये पिता और पुत्र का संबंध है। पिता और पुत्र एक संबंध, ईश्वर यह संबंध है, रिश्ता है, एक कम्युनिटी है, एक परिवार है, एक समुदाय है। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, तीन व्यक्तियों का एक परिवार, त्रिएक ईश्वर। उनके बीच में ये आपसी प्रेम को, इस संबंध को, इस अपने आप को देने के बारे में, अपने आप को खाली करने की जो प्रक्रिया है उसको हम देख सकते हैं। वो एक बार नहीं हुई है प्रक्रिया, आज भी चलती है। यही विशेष और महत्वपूर्ण। इस संदर्भ में आज की जो साधना है, इसके लिए हमें जो पाठ मिला है या हम लिए हैं, इसको हमें देखने की जरूरत है। प्रभु येसु क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं। वास्तव में एक दूसरे से प्यार करना यह कोई नई आज्ञा नहीं है, ये पुराने विधान में है यह आज्ञा। जैसे तुम अपने से प्यार करते हो, उसी प्रकार एक दूसरे से प्यार करो। लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ, ये पुराने विधान में है आज्ञा, ईश्वर का आदेश है ये। लेकिन प्रभु येसु यहां एक उदाहरण जोड़ देते हैं, उसके साथ एक कंपैरिजन जोड़ देते हैं, एक किस प्रकार करना चाहिए वो बताते हैं। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। एक मापदंड हमें दे दिए। यदि वे कह देते हैं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, यहां एक मापदंड हमें नहीं दिया गया है, कितना प्रतिशत करना है यहां नहीं बताया गया है। लेकिन प्रभु येसु हमसे कहते हैं, जिस प्रकार कितना प्रतिशत केवल नहीं, कैसे प्रकार, किस प्रकार, हाउ आई हैव लव्ड यू, एस आई हैव लव्ड यू, द मैनर ऑफ जीसस लविंग अस, जिस प्रकार वे हमसे प्यार करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्ट उनके जीवन पर थोड़ा सा हम नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि वो किस प्रकार, किस रीति से हमसे प्यार करते हैं, अपने बारे में बिल्कुल एक क्षण भी सोचे बिना। उनको पूर्ण रूप से मालूम था कि ये प्रजा, ये मनुष्य जाति हमेशा धोखा देती आई है, भविष्य में धोखा देगी, मेरे प्रेम को इन लोग टुकराएंगे, जान देते हुए फिर भी वो प्यार किए। वही है वो प्रेम, बिना अपेक्षा किए। वापस मिलेगा नहीं ये उन्हें बिल्कुल मालूम था, फिर भी वे प्यार करते हैं, इसलिए तो वो प्यार है। वापस पाने की अपेक्षा किए बिना अपने आप को पूर्ण रूप से देना, और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ये स्वयं ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला वो ईश्वर, जिन्हें सारी सृष्टि अपने अंदर समेट नहीं सकती। वह ईश्वर एक छोटे से बालक के रूप में मरियम के गर्भ में आता है, हमारे समान एक मानव जीवन जीता है, अपनी शक्ति का उपयोग कहीं भी नहीं करता, नहीं तो उसको भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, उसे प्यार की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं, ऐसे रह जाते, लेकिन वैसे नहीं किए। लेकिन इन सबसे बढ़कर हम देखते हैं वो अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे दुखों को अपने ऊपर लेकर, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, एक पापी के रूप में, एक अपराधी के रूप में अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए क्रूस को अपनाते हैं। ये सब ऐसे हुआ नहीं है, ये सब उनकी योजना के अनुसार हुआ, ये वही चाहते थे। यह प्रेम, जैसे मैंने कहा, एक कोई फीलिंग नहीं है, एक व्यक्ति है। हमें प्रभु येसु को देख कर समझना है कि वास्तव में प्रेम या प्यार होता क्या है। अन्य इस दुनिया का जो एक हार्ट का चित्र बनाकर वैलेंटाइन डे के लिए कार्ड और पार्टी ये सब जो करते हैं वो नहीं, यह प्रेम एक व्यक्ति है।
इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तेरी पहचान, मेरे शिष्य होने की पहचान यह है कि तुम एक दूसरे से जैसे मैंने प्यार किया वैसे प्यार करोगे। यही है मेरे शिष्य की पहचान। इसके द्वारा ही लोग पहचान लेंगे, जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। कैसे पहचानेंगे? सफेद कपड़ा पहनने से नहीं, धार्मिक जीवन जीने से नहीं, हर आज्ञाओं का पालन करने से नहीं, यानी 10 नियमों का पालन करने के बारे में बात कर रहा हूं, बल्कि प्रभु कहते हैं एक दूसरे के लिए तुम्हारे प्रेम के द्वारा ही लोग तुम्हें मेरे शिष्य के रूप में पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी तक हम वही मनन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु की पहचान वो क्रूस है, वो प्रेम है, वही है उनकी पहचान। तो उनके शिष्य, उनके अनुयायी कैसे होंगे? उनके समान ही तो होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और प्रभु यीशु इसी प्रकार इसी पुस्तक में संत योहन रचित सुसमाचार में ही हमसे कहेंगे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो या करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे या प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। एक निर्णय है, एक कार्य है, एक फीलिंग, एक इमोशन, एक भावना नहीं है। तो यदि हम प्रभु यीशु को खुश करना चाहते हैं, उनके नजदीक उनके पास रहना चाहते हैं, तो हमें भी जैसे उन्होंने किया वैसे ही हमें करना पड़ेगा। इसलिए जो आदेश वे हमें दिए हैं उस आदेश का पालन हमें करके ही हमें यहां प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि वास्तव में आप और मैं उनके शिष्य हैं। यदि हम अपने आप को उनके शिष्य, उनके मित्र, उनके भाई बहन कहते हैं, हमें प्रमाणित करना पड़ेगा उस प्रेम को, हमें इस दुनिया को प्रकट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को उन्हें देकर उनके प्रेम को इस दुनिया के लिए प्रतिबिंबित करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सर्वप्रथम हमें उनके इस प्रेम को अनुभव करना होगा, स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा और पूर्ण रूप से हमें उस प्रेम से भर देना होगा। तब हम दूसरों को प्यार करने के लिए अपने आप को अर्पित कर पाएंगे। लेकिन अधिकांश आप और मैं यूदस के समान ही करते हैं। यूदस को भी प्रभु यीशु अपने शरीर को, रक्त को दिए, लेकिन वह प्रेम उसको प्रेरित नहीं कर पाया। लेकिन उस शरीर और रक्त को, रोटी और दाखरस को ग्रहण करने के बाद उसके अंदर शैतान घुस गया और वहां अंधकार पड़ गया। देखिए संत योहन बहुत सारे सिंबल्स को, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैं एक टिप्पणी मैं इस पर करना चाहूंगा, संत योहन रचित सुसमाचार में हम कहीं भी कोई भी चमत्कार नहीं देख सकते हैं, चिन्ह हम उसको कहते हैं। ही स्पीक्स ऑल अबाउट साइंस। जरूर हिंदी बाइबल में अनुवाद में इन लोग साइन को चिन्ह के बदले में चमत्कार बता दिए हैं। वो चमत्कार नहीं, चिन्ह बताते हैं। चिन्ह किस चीज का चिन्ह है? उनके प्रेम का चिन्ह, प्रभु यीशु के ज्योति होने का। मैं संसार की ज्योति हूं, उसका एक चिन्ह है। लेकिन यहां हम देखते हैं जैसे यूदस ने रोटी ग्रहण किया, खाया, उसके अंदर शैतान घुस गया। और वो क्या था उस समय? अंधेरा था। पत्संग 30 में हम पढ़ते हैं, टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया, वो बैठ नहीं पाया वहां प्रभु के पास। प्रभु यीशु स्वयं ज्योति हैं। प्रभु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूं, जब तक मैं हूं मेरी ज्योति में चलने की कोशिश करो। इसलिए यूदस जो अंधकार बन गया, अभी शैतान के चंगुल में पड़ गया, अब उस ज्योति में बैठ नहीं पाया, तुरंत वो बाहर चला गया। अब आगे संत योहन क्या लिखते हैं? उस समय रात हो चली थी, उस समय रात हो चली थी। वास्तव में यूदस मृत्यु के वश में पड़ गया, शैतान के वश में पड़ गया, अंधकार के वश में पड़ गया। जब हम भी प्रभु यीशु के प्रेम को टुकराते हैं जैसे यूदस ने टुकराया, जब हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनके समान प्रेम करने का, हम उनके प्रेम को टुकराते हैं, उनकी दोस्ती को टुकराते हैं,
उनकी मित्रता को हम त्याग देते हैं, हम दूर चले जाते हैं। लेकिन आज भी विशेष रूप से इस समय में जब हम उनके दुख भोग में सहभागी होने के लिए, उनके उस असीम प्रेम में पूर्ण रूप से सहभागी होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु यीशु आज भी यही दोहराते हैं, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, तुम मेरे दोस्त हो। और आगे वे कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु हम हर एक को अपना मित्र, अपना फ्रेंड कहकर पुकारते हैं, पुकारते केवल नहीं है, प्रमाणित कर दिए कि वही है, स्वयं प्रभु यीशु ही हमारे मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। आइए हम थोड़ी देर इन बातों को अपने दिल में संजोए रखकर इस पर हम मनन करें, इस बात को, इस महान रहस्य का आत्मसार करने की कोशिश करें, ताकि हम पूर्ण रूप से इस प्रेम को अनुभव करके हम स्वयं एक प्रेम बन जाएं। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु, मुझे तेरी इच्छा, तेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखा, इससे ज्यादा मैं क्या चाहूं कि तुम मेरी जिंदगी के द्वारा, मेरे द्वारा अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करो। तेरी इच्छा, तेरी योजना ही प्रेम है, तेरी योजना ही मेरी मुक्ति है, मेरा आनंद है। मुझे केवल तेरे उदाहरण का, तेरी शिक्षाओं का, कलीसिया की शिक्षा का मुझे केवल पालन करना है। लेकिन प्रभु, बहुत बार ऐसे मैं कर नहीं पाता हूं, इस दुनिया में रहने के कारण, इस दुनियाई मोह माया में गिरकर मैं स्वार्थी बन जाता हूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से तुझे, तेरी महिमा के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए देने से इनकार करता हूं। मैं भी यूदस के समान बन जाता हूं। प्रभु, तेरी इस योजना को, तेरी इस इच्छा को पूरी करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बनाने की कृपा कर, मेरे जीवन का कारण बनाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे भी बता, यूदस जो तेरे साथ 3 वर्ष तक रहा, तेरे शरीर और रक्त को ग्रहण करने के तुरंत बाद उसके अंदर शैतान कैसे घुस गया? वहां तो तुझे होना चाहिए था। तेरे शरीर और रक्त को ग्रहण करने में ऐसे क्या हुआ है कि शैतान यूदस के अंदर घुस गया? प्रभु, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं भी पूर्ण रूप से अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता, पर मैं तुझे धोखा नहीं देना चाहता हूं। प्रभु, आज मैं तुझसे ये भी जानना चाहता हूं कि जितने लोग तुझे धोखा दिए, अन्य 11 शिष्य भी तुझे धोखा दिए, प्रधान शिष्य पेत्रुस भी तुझे धोखा दिया, लेकिन इन सब वापस कैसे आए तेरे पास? मुझे उस रहस्य को बता, मुझे सिखा, ताकि मैं भी तेरे पास वापस लौट सकूं। प्रभु, मुझे संभालने, मुझे बचाने की कृपा कर, मेरी कमजोरी, मेरे पाप और मेरे घमंड से मुझे बचाने की कृपा कर। मैं पूर्ण रूप से 100% तुझ पर निर्भर रहकर, तुझ पर भरोसा करते हुए अपना यह जीवन जीने की कृपा कर। मैं पूर्ण रूप से तेरी महिमा के लिए, तेरी उपस्थिति बनकर इस दुनिया में मैं जीना चाहता हूं। मेरा उपयोग कर, मेरा प्रयोग कर। आइए हम इन सभी बातों को अपने दिल में रखें। साथ ही आपके मन में इससे ज्यादा बहुत सारी बातें उमड़ रही होंगी, उन सभी बातों को प्रभु पर, प्रभु यीशु पर प्रकट करिए। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे परम पावन दयालु पिता, प्रेमी पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारी इस दुनिया में, जो अंधकार पड़ गई थी, इस दुनिया की ज्योति के रूप में तूने भेजा, ताकि हम उसकी ज्योति में सच्चाई को, वास्तविकता को जान सके, तुझे पहचान सके। लेकिन प्रभु, आज भी मुझे भी मिलाकर बहुत सारे लोग तेरे पुत्र को अस्वीकार करते हैं, उनको स्वीकार करने से इनकार करते हैं। मैं भी मेरे जीवन के द्वारा बहुत बार ऐसे करता हूं, और आज तक बहुत सारे लोग उन्हें जाने नहीं है। तेरे पिता, उन सबों को अपनी ओर आकर्षित करने की कृपा कर, मेरे हृदय को भी पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित करने की कृपा कर। प्रभु, उन सबों को भी जो आज तक तुझे जाने नहीं है, जो तेरे पुत्र की इस ज्योति में चलना नहीं चाहते हैं, उनके पास
अपने प्रेरितों को, अपने सुसमाचार वाहकों को भेजने की कृपा कर। वे सब जाकर उन्हें तेरे प्रेम को बता सकें अपने जीवन के द्वारा, ताकि वे सब तेरे पास आ सकें। उनके साथ साथ मुझे भी भेजने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपना संदेश वाहक बनाने की कृपा कर, तेरी उपस्थिति बनाने की कृपा कर, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा, मेरे मन वचन कर्म के द्वारा इस कार्य को पूर्ण रूप से निभा सकूं। मेरी सहायता कर। प्रिय भाई और बहनों, आप भी आपके मन में जो भी भावनाएं उमड़ रही हैं, आप पिता पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज की इस साधना के द्वारा हमारे मन में ईश्वर बहुत सारी बातों को प्रकट किए हैं, हमें बताए हैं, सिखाए हैं। आइए उस पर आधारित हम कुछ निर्णय, कुछ संकल्प लेने की कोशिश करें। उन्हें अपनी डायरी में लिखिए और आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं को पिता के चरणों में रखें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और आज की साधना के लिए। अपने प्रेम को, अपने आप को और हमारे लिए तेरी योजना को हम पर पुनः प्रकट करने के लिए प्यारे पिता, हमें कृपा देने की कृपा कर, हमें वरदान देने की कृपा कर, हमें पवित्र आत्मा से संचालित करते रहने की कृपा कर। हमें कृपा दे कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम ध्यान पूर्वक सुनकर उनके आदेशों पर हम चल सके, ये कृपा हमें प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे प्रति तेरे इस प्रेम को प्रकट करते रहने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर पवित्र यूक्रिस्त बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें अपने समान बनाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें विशेष कृपा दे कि हम तेरी इस आज्ञाओं का पालन करते हुए, तू जैसे हमसे प्यार करता है वैसे एक दूसरे से प्यार करते हुए जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। ये हमारी प्यारी माँ और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ चलिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु येसु के, पिता ईश्वर के इस असीम प्रेम को पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए, स्वीकार करते हुए, अपनाते हुए एक दूसरा येसु बनकर इस दुनिया में जीने के लिए आइए हम ईश्वर के प्रेम के राह पर आगे बढ़े। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।